व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 2024 में इंडियन मिलिट्री की पावर के सामने पाकिस्तान और तुर्की की मिलिट्री पावर कितनी है। ओ भैया, इंटरेस्टिंग होने वाले वीडियो। शेयर स्टडी चैनल से है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत और तुर्की के बीच रिश्तों में काफी मनमुटाव देखने को मिला है। भारत में वर्तमान समय में कट्टर हिंदूवादी सरकार है और तुर्की भी अपने प्रेसिडेंट मिस्टर रेसप तैयब अर्दोगान के अंडर एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिन्होंने एक और कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चालों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार रेज करते हैं और इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर ये भारत को घेरने का प्रयास भी करते रहते हैं। दोनों ही देशों के बीच विभिन्न तरह के हथियारों की डिफेंस डील्स भी चल रही हैं। तो वहीं भारत भी तुर्की के विरोधी देशों के साथ मिलकर तुर्की को उसी के रीजन में चुनौती देने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे में साल दर साल इन तीनों ही देशों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये तीनों ही देश भारी भरकम मिलिट्री पावर भी रखते हैं। तुर्की एक यूरेशियन देश है और नेटो का सदस्य भी है, जिसकी खुद की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफी एडवांस हथियारों का निर्माण करती है और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भी विभिन्न तरह के हथियारों का निर्माण करने लगे हैं। पाकिस्तान जो कि एकमात्र न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश है, जिसकी मिलिट्री पहले अमेरिका और अब चीन व तुर्की के दम पर काफी पावरफुल हो चुकी है। तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जो कि न सिर्फ दुनिया भर से हथियार खरीदता है बल्कि अब अपने खुद के हथियारों का निर्माण भी करने लगा है। बिल्कुल, ऐसे में इन तीनों ही देशों के बीच अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए भी रेस लगी हुई है और ये एक दूसरे के कस्टमर देशों को भी अपने अपने हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है और उसे OIC के सभी मुस्लिम देशों के बीच सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में तुर्की पाकिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए आगे भी भारत के खिलाफ लगातार एंटी इंडिया चालें चलता रहेगा और भारत भी ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, आर्मेनिया आदि देशों के साथ मिलकर तुर्की को हर संभव तरीके से घेरने के प्रयास में रहता है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो में हम वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। T-129 किस देश का अटैक हेलीकॉप्टर है, तुर्की या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत अकेले की करंट ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही देश मिलकर कम्बाइंड तौर पर 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड पॉपुलेशन 32.6 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके बाद नॉमिनल GDP देखें तो भारत की करंट नॉमिनल GDP 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल GDP 1.4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। हालांकि इसमें मेजोरिटी ऑफ नंबर्स तुर्की की GDP के ही हैं। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस पर 75 बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब इस साल अपने डिफेंस पर खर्च कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने कंबाइंड तौर पर अपने डिफेंस पर करीबन 50 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की 7वीं और टर्किश फौज दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में करीबन 11 लाख टोटल एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। तीनों ही देशों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनके पास
रिजर्व सोल्जर्स की भी संख्या लाखों में है। मेन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 6000 से भी ज्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की करीबन 150 यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 1800 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा संख्या इंडियन आर्मी के पास है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 4900 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत और तुर्की दोनों ही अपने अपने देश में काफी सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण करने लगे हैं, इसलिए इनकी संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 640 के करीब मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास भी करीबन इतने ही ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कम्बाइंड तौर पर मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 250 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो इंडिया के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान अकेले के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। तुर्की के पास अपने खुद के कोई न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं है, हालांकि इनके पास नेटो के अंतर्गत कुछ अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी के पास दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर भी काम शुरू होने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवीज के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी के पास नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान में केवल टर्किश नेवी एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर इस्तेमाल करती है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवी के पास कोई डेडिकेटेड विध्वंसक जहाज नहीं है। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास 26 फ्रिगेट्स कंबाइंड तौर पर हैं। कॉर्बेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 11 कॉर्बेट शिप्स बताए जाते हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 22 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं? एक चीज ये है कि अभी तो ये बताया कि पाकिस्तान तुर्की मिलके अगर वो उस तरीके से अगर होता कंपेयर करा है, लेकिन फिर भी इंडिया अकेला नहीं, इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्रीज हैं और हमेशा ये देखा गया है कि कितना भी हम डिस्कस कर लें, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है तो वहाँ पर डिप्लोमेसी बहुत मैटर करती है। पॉलिटिकल रिलेशंस आपके कैसे हैं, किस कंट्री के साथ आपका लाइजन अच्छा है, कौन सी कंट्री आपके साथ हमेशा स्टैंड रहती है। जैसे इसराइल टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कितना है और वो इंडिया के साथ हमेशा से ही रहा है, तो बहुत पुरानी दोस्ती। अब ये लगता है कि बहुत ही चल ठीक है, वो इंडिया का एक नेचर है, मदद करे थी उस टाइम पर। मुझे मतलब बिल्कुल ऐसे लोगों की तो हेल्प करना बिल्कुल वेस्टेज लगता है, जो मतलब इस लेवल पे जाके ऐसी हरकतें इनकी जो रहती हैं बिल्कुल ही एकदम। पाक अगर इतना ही था तो तब क्यों नहीं करा पाक ने, और तब उसके मिनिस्टर को आने के लिए मना कर दिया था, याद है? गजब दोगले। इससे पता चलता है कि आपस में भी कोई सगे नहीं है एक दूसरे के, जस्ट लाइक चाइना। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस कर रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा, बाहर बेचेगा, उससे और इंडिया में रेवेन्यू आएगी, पैसा आएगा, तो उससे और खुद के बजट में और मुनाफा कर सकती है इंडिया। और जितनी तेजी से इंडिया भागी है ना पिछले 75 साल में मैं कहूँगा, लेकिन आने वाले 15-20 साल में उससे ज्यादा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा बजट पे भी फोकस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट दिया जा रहा है हर तरीके से। आपको क्या कहना है इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।